गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बज रहे और हम सब जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि द्वारका में कृष्ण जी के कौन से फ्रेंड मिलने आए थे। हम दर्शन करके आ गए और आगे का प्लान ये है कि हम द्वारका में कुछ मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर निकल जाएंगे बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका 2 वर्ड से आया, बेट और द्वारका। ऐसा बोला जाता है कि ये जगह सुदामा जी ने कृष्ण जी को गिफ्ट की थी। वही कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी यही कृष्ण जी को गिफ्ट देने आए थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। और ये हमारा नाश्ता आ गया है, भैया का समोसा, मामी का ढोकला और इडली, दीदी का पोहा, मौसी का भी पोहा और हम तीनों का इडली सांभर। अभी हम सब भड़केश्वर महादेव आ गए। और ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये शिवलिंग पूरा पानी में सबमर्ज हो जाता है। अभी हम सब भड़केश्वर महादेव के दर्शन करके आ गए और नेक्स्ट अब हम रुक्मणी देवी जी के मंदिर जा रहे हैं। उस मंदिर से भी जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। तो चलिए रुक्मणी देवी के मंदिर चलते हैं। चैत्र शुक्ल एकादशी को दिन कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हुआ दफना। भगवान का जो मुख्य पटरानी बताते हैं आठ, उसमें सबसे बड़ी रानी है रुक्मणी। और कृष्ण रुक्मणी जी का शादी के बाद गुरु दुर्वासा जी को भोजन को न्योता देने का एक विचार। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आता है दुर्वासा मुनिवास। कृष्ण जी रुक्मणी जी दुर्वासा जी को भोजन के लिए न्योता देते हैं। आप हमारे साथ भोजन के लिए चलेंगे गुरु महाराज। दुर्वासा जी बोले कि आप स्वयं पति पत्नी रथ भेजे के मैं आपके साथ वारी कर दूँ। दुर्वासा जी का आज्ञा का भगवान बीच रास्ते में रथ आया आधा मार्ग पर, तब रुक्मणी देवी को पानी का प्यास है। कृष्ण जी से बोले कि नाथ आप मुझे पानी पिलाइए, अब मेरे से रथ आने ऊंचा नहीं जाए और पानी नहीं पिलाएंगे नाथ तो मैं रथ को छोड़ दूंगी। तब रुक्मणी देवी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबा के भूमि में से भगवान ने गंगा जी को कागज दे। रुक्मणी देवी ने पानी पी, माता का प्यास मिट गया और भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे दुर्वासा जी को पानी नहीं पिलाया। गुरु ब्राह्मण का बिना आज्ञा पानी पीने पर दुर्वासा ऋषि जी ने क्रोध के आदेश में आके श्राप दिया कि आप पति और पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा और द्वारिका नगरी में कृष्ण जी पीने का मीठा पानी नहीं मिले। तो ये जमीन में यहाँ आठ दिन कुआ करो बोर करो पीने योग्य मीठा पानी पीने नहीं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में ही लोकेटेड सेकेंड ज्योतिर्लिंग है जो द्वारका नगरी से एकदम ही पास है। ये प्रमुख स्थलों में से तो है ही, साथ ही साथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर प्रतीक है सुप्रिया की भक्ति का। ऐसा माना जाता है कि दारुक नाम का असुर इसी दारुका वन में रहता था। उसने सुप्रिया के साथ साथ और भी लोगों को जेल में कैद कर रखा था। तब सुप्रिया ने उसी के जेल में महादेव का एक ज्योतिर्लिंग बनाया और उनकी पूजा अर्चना शुरू की। महादेव इससे प्रसन्न होकर सुप्रिया से मिलने आए और दारुका का उद्धार किया। फिर सुप्रिया के ही कहने पे वो इस दारुका वन में नागेश्वर नाम से विराजमान हो गए। ऐसा ये भी माना जाता है कि पांडव जब वनवास के दौरान यहाँ आए तो उन्होंने एक गाय देखी जो तालाब के पास आकर रोज दूध देती थी। जब उन्होंने तालाब की छानबीन की तो उन्हें एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मिला जिसे उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। इस मंदिर में शिव जी की पूजा नाग के रूप में और पार्वती जी की पूजा नागिन के रूप में की जाती है और इसीलिए यहाँ के प्रसाद में आपको नाग नागिन का जोड़ा भी मिलता है जिसे आप चढ़ा के किसी भी जहर से मुक्त हो सकते हो। अगर आप अंदर गर्भगृह में जाना चाहते हो तो रुद्र अभिषेक का प्रसाद लेके आप अंदर भी जा सकते हो, लेकिन जेंट्स को वहां पर धोती पहनना कंपलसरी है।
तो अभी हम सब बैठ द्वारका के फेरी बोट पार्किंग एरिया में है, और अभी हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और हम बोट पकड़ने जा रहे हैं। मंदिर के टाइमिंग्स 11 टू 1 और 3 टू 6 है, तो आप अपना ट्रिप उस अकॉर्डिंग ही प्लान करें। अभी हम मंदिर में जाके बाकी दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से रिटर्न निकलेंगे। सो गूगल पे मैंने 11 टू 1 एंड 3 टू 6 लिखा था, बट यहाँ के हमें पता चला कि मंदिर 5 बजे खुलेगा। तो अभी हम बाहर से ही दर्शन करके रिटर्न निकलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमें आगे लेट हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे साथ द्वारका में भी हुई। ऐसा गूगल पे लिखा था कि 6:30 टू 7 मंगल आरती होती है, जिसमें डिवोटीज़ अलाउड नहीं है, बट उधर जाके पता चला कि डिवोटीज 6:30 टू 7 भी आ सकते हैं। द्वारकाधीश महाराज की जय। तो अभी हम सब बेट द्वारका उतर चुके हैं, और क्योंकि सारे मंदिर तो फिलहाल बंद है, लेकिन हनुमान मंदिर खुला है, तो हम सबसे पहले हनुमान मंदिर ही जाएंगे। अगर आप बेट द्वारका आ रहे हो तो इस हनुमान मंदिर में आना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति एज अ ह्यूमन फॉर्म है, और यहाँ की एक और यूनिक बात ये है कि इनकी मूर्ति उनके बेटे मकर ध्वज के साथ है। सो फाइनली हम सब आ गए हैं बेट द्वारिका के मेन मंदिर, जिसे लोग शंकोधर भी कहते हैं। इस मंदिर को पुराणों में अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता था, और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी यहीं पे रहते थे। यहाँ पर लोग अपने घर से चावल लाकर कृष्ण जी को भेंट स्वरूप में वह चावल चढ़ाते हैं। अगर आप चावल लाना भूल भी गए हो तो यहाँ एंट्रेंस पे आपको चावल मिल जाएगा, जो आप कृष्ण जी को चढ़ा सकते हैं। पिंक कलर नहीं लोगी? जेली नहीं है। जेली नहीं है? अच्छा नहीं, जेली नहीं है। लो लंचू, तू सदा कहीं बुला, चल गई। ये तो नहीं खा पाएगी। एक में ही मामा, मामा ये एक पूरी में ही बोल देगी मामा, लोगे क्या? भरोसा कम उम्मीदें कम, भरोसा ज्यादा उम्मीदें कम। और इसी के साथ हम द्वारका नगरी से निकल रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। आफ्टर 400 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी हम सब हमारे घर आ गए, एंड हमें बहुत अच्छा लगा सोमनाथ जी एंड द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करके। इट वॉज अवर थर्ड टाइम इन द्वारका, एंड टू बी ऑनेस्ट इन 7-8 साल के गैप में द्वारका सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इन टर्म्स ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, एंड इट फेल्ट सो गुड टू चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स फ्रॉम द पास्ट। With this, we come to the end of this video. I hope you enjoyed watching the entire vlog. Don't forget to like, comment and share this video. और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। End में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Till then, let's buzz around.